अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाड़ा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू, तो तुम वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। अज मैं अपने किसान दोस्तों वास्ते लिया जनाब मैसी 375 परकन इंजन विच है, तो रफड़ फेरदा पिया है, कद्दू भी कह सकते जे तुहाड़े सामने है। चौथे लोहे च बड़े आराम नाल अतियात में फेरदा पिया है। मक्की वाली दोस्तों जमीन है, तो लोहे का सुहागा है, चेक कर सकते हो, तो 1509 की काश्त है, नाल भी 1509 लगी पई जे। यह जनाब 1509 वास्ते जमीन तैयार होंदी पई है। एक साइड से चढ़न का मकसद यह है भी जिथे थोड़ी बहुती उच्ची है रह गई है ना, इस नूं कवर करते पे ने। हालांकि इत्थे कंप्यूटर भी फिरा हुआ है, लेकिन पता नहीं ये साइड उच्ची क्यों रह गई है, या फिर आ जिहड़ी वट हैगी है इस तों मट्टी डल गई है। 375 परकन 1995 मॉडल है दोस्तों। उस साइड तो शुरू होया सी मेरा ख्याल है, कन्नी ते साइड वाला फेरा पहले मुकम्मल करेगा मेरे ख्याल लगता है, तो उस तो बाद सेंटर चों या जिस तरीके हल फेरने हैं या सुहागा फेरने उस तरीके ये कवर करेगा। परकन मैसी 375 बहुत ही आला किस्म का इनका साउंड है दोस्तों। नवे ट्रैक्टर के बजाय जो पुराने है परकन विच इन्हां दी जिहड़ी है इंजन की मियाद, पिछले हिस्से की मियाद, इन्हां दी लाइफ जिंदगी जिहड़ी है काफ़ी लंबी है। मौजूदा जिन्हें भी आते पे नवे मॉडल उन्हां नालों ये ज़्यादा अच्छा तो चंगा तो वधिया है। दोस्तों मुंजी चावल बड़ा पानी लेंदी है, जिथे पानी इजाफी हुंदा है उत्थे इस दी काश्त की जाती है, लेकिन जिथे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुंदी है उत्थे मुंजी नहीं लगांदे। साडे पासे पानी इन्ना चोखा तो नहीं है, लेकिन पीटर के जरिए बिजली दी मोटरां लगियां हुई ने, ते कुछ थोड़ा बहुत नहर का पानी भी है, जिदे ते दोस्त किसान भाई अपना चावल की फसल उगाते हैं, तो उस दे नाल नाल बिजली दी मोटरां भी इस्तेमाल करते हैं, तो नाल नाल डीजल हीटर इंजन भी चलाते हैं, तो जिस जगह पर खाली बोर है उत्थे वो फिर ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी तुसी मुंजी लगाते हो एक महीना पानी वो दे विच इस तरीके जिस तरीके भरया खड़ा है सुकन नहीं देना, उस महीने दे विच बूटा भी मार जाएगा ही मुंजी, तो महीने तो बाद तुसी अगर चौथे दिन भी पानी लगाते रहो तो फिर भी दुआड़ी फसल बहुत अच्छी होगी। अगर पहली बारी ही पानी खुश्क हो गया महीने के अंदर अंदर, तो फिर भाईजान मेरा जिहड़ा ख्याल है ना, फिर उस मुंजी ने इन्नी ज़्यादा पैदावार भी नहीं देनी, तो जिन्ना मर्जी पानी लगाओगे जमीन नूं त्रेड़ां पै जावणगे, तो वह जमीन दे विच पानी जिहड़ा ना जिन्ना पाओगे सज्जा ही लै जाएगा, जमीन पी जाएगी। इस वास्ते एक महीने का पीरियड है जो तुसी जो ना एक महीना पानी रोकना है, तो 10 तो 15 दिन बाद तुसी जो साढ़े इलाके चलता पिया 15 दिन बाद खाद लगा लेंदे ने दोस्त, जिन्होंने DAP लगानी होंदी है कोई तो रफाड़े जी सुट देंदे ने, ते कोई जड़े ने 10 दिन बाद लगांदे ने, ते फिर 15 दिन बाद यूरिया दा इस्तेमाल करदे ने।
बड़े ही प्यार नाल एहतियात नाल चलांदे पए ने ताकि एक तो गैला ना बनन, मतलब भी जिहड़ी मट्टी है ना नीवी उच्ची ना होवे ते नाल ही उन्हां दा काम भी वधिया हो जावे। जदों दी हुकूमत आई है तरीके इंसाफ दी, इहदे विच जिन्ने भी जमींदार हैगे ने ते इन्हां दी जिहड़ियां भी फसलां ने उन्हां दा रेट पिछलियां हुकूमतां दी निस्बत चंगा मिलदा पिया। दोस्तों मक्की दा रेट भी चंगा सी, कणक दा रेट भी चंगा सी ते पिछले सालां च चावल दा भी, उम्मीद है इस साल भी चावल दा रेट चंगा निकलेगा। आप देख सकते हो दोस्तों पहले चारों तरफ उसने फेरा लगाया है ते हुण जनाब उसने हलाम भर लिया है कम से कम 3-4 फेरियां दा। लेकिन फिर शार्टकट मार दिती सूं, लगता कोई साइड उच्ची रह गई है। और साइड उच्ची रह गई दोस्तों ऐ वाली, दोबारा फेरा इस वास्ते लिया सूं भी आ जिहड़ी टिब्बी बन गई है इसनूं कवर किया जाए। मजीद एक फेरा होर लियांदे पए ने, ऐ पई है टिब्बी जिते पानी नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों काफी फर्क पै गया है, लेकिन ड्राइवर मुतमिन नहीं हो रहा। आ जी बाकी जिनी आसानी ना ट्रैक्टर खिंच सकता सी उसने खिंच ली है दोस्तों, तो बाकी जी मट्टी है ये मेरा ख्याल है भी कई के जरिए किसान भाई बाहर कढ़ेगा। गेयर चेंज कर लिया, सो पहला हाई लगा दिता सो मेरा ख्याल है, पहले टॉप लो सी। बस दोस्त बैक किराया पा लेंदे ने पुट्ठा, उस दे जरिए भी रफड़ फेर देंदे ने। अगर इस दे पिछे पुट्ठा किराया पाया हुंदा तां इह जिहड़ी हैगी सी ना उच्ची टिब्बी इह उहदे नाल भी बैक खिंची जाणी सी बड़ी आसानी नाल। चेक कर लो जनाब किसान भाई कई नाल इस दी सेटिंग करता पिया है ताकि टिब्बी बाकी ना रवे ते पानी आसानी नाल इत्थे पहुँच जावे।
ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।